संयोजक हैं भारत, अंकिता, तेजस्वी, उन्नति जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने आप को प्रबंधन में रखना चाहिए। प्रबंधन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट, और उसके बहुत सारे अंग होते हैं, और सबसे विशेष अंग होता है उसका डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। तो अगर अपने जीवन में आपने निर्णय लेने की क्षमता सीखी है, तो आप ये मान के चलना कि एक सही निर्णय व्यक्ति के लिए बहुत सारी सही चीजें दे देता है, और एक गलत निर्णय व्यक्ति को बहुत पीछे ढकेल देता है। तो अपने जीवन के निर्णय आप कैसे ले रहे हो? सफल होने के लिए निर्णय लेने की क्षमता बहुत विशेष क्षमता है। कब निर्णय कौन सा लेना है, कब निर्णय कौन सा नहीं लेना है, कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है। कई बार ना बोलने के कारण, हाँ बोल देने के कारण आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। और कई बार आप समय पर हाँ नहीं बोल पाते हो, या समय पर ना नहीं बोल पाते हो। ये सारा खेल जो है डिसीजन मेकिंग का है। एक अच्छे नेतृत्व नेता जो होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है कि कैसे हमको अपने जीवन में डिसीजन लेना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता आना चाहिए, और वो भी बहुत गंभीरता से देख करके, उसके आगे पीछे सोच विचार करके। सीधा आपने निर्णय ले लिया, कोई गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और 120 140 की स्पीड में उसकी कार है, सामने से कोई जानवर आ गया, वो एकदम से ब्रेक नहीं लगाता, एकदम से हैंड ब्रेक लगा सकते क्या? अगर आपने एकदम से हैंड ब्रेक लगा लिया तो क्या होगा? फिर वो वीडियो चलेंगी, फिल्म जैसी आपकी भी, हवा में कार रोल कर रही है, रोटेट कर रही है। तो उस समय ड्राइवर निर्णय लेता है कि या टर्न करता है, स्पीड स्लो करता है। अगर तुरंत ब्रेक लगा देगा तो हानि हो जाएगी। बहुत सारी जगह ऐसे ही निर्णय लेना पड़ते हैं जीवन में, और कई बार निर्णय गलत ले लेने के कारण, एक छोटा सा निर्णय गलत ले लेने के कारण पूरा जीवन गलत हो जाता है। तो एक सही निर्णय, एक सही चुनाव आपके जीवन को बहुत ऊंचा पहुंचा सकता है, और एक गलत निर्णय, एक गलत चुनाव आपके जीवन को बहुत नीचे ले जा सकता है। आज की नीति कह रही है कि सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफल होना बड़ी बात नहीं है, हर बार सफल होना बड़ी बात है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक बार सफल हो गया दोबारा हुए ही नहीं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि मैदान में उतरे, पहले मैच में सेंचुरी, डेब्यू में सेंचुरी, फिर इसके बाद चले ही नहीं। ऐसा नहीं होता। एक बार सफल हो गया बड़ी बात नहीं है, हर बार सफल हो रहा है बड़ी बात है। उसके लिए हर बॉल का निर्णय लेता है खिलाड़ी। अगर कोई आपको मौका दे रहा है आगे बढ़ने का, तो वो निर्णय ले चुका है कि आपको आगे बढ़ने दे रहा है। अब आपको निर्णय लेना है कि अब आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो सफल होना बड़ी बात नहीं है, हर बार सफल होना बड़ी बात है। हर बार से मतलब कि 100 में से 95% भी अगर आप सफल हुए हो अपने काम में, तो आपको सफल मानेंगे। बस वो 5 बार जो असफलताएं मिली हैं, वो बड़ी असफलता ना हो, छोटी ही हो, इसका भी ध्यान रखें। ये तो एक व्यक्ति ने 100 बार कमाने का मौका था, तो उसने 100 बार में से 95 टाइम्स कमाया 100-100 रुपये, और 5 बार में उसने 5-5 शेयर गवाए। ये खेल नहीं है, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। सफलता बार बार उन्हीं के पैर चूमती है जो हर समस्या या काम को उसके दोनों पक्षों से, दोनों पहलू से समझते हैं। मतलब आप कोई भी काम करें तो एक बार उसके सेकंड फेज को भी जरूर सोचें कि मैं ये कर रहा हूं, जो मेरे सामने दिख रहा है इसका फल है, इसके पीछे इसका क्या चल रहा है, इसके बैक साइड इसके क्या हो रहा है, जो मैं निर्णय ले रहा हूं इसका सेकंड फेज क्या है, दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी, इसको करने के बाद मुझे और क्या असर मिलेगा इसका। तो दोनों फेसों को सोचना चाहिए, और सिंगल फेस को सोचने वाला बाद में दुखी रहता है, डबल फेस में सोचने वाला, पीछे का भी सोचने वाला बहुत सुखी रहता है। नहीं तो आप देखो कि हमने तो कई बार अनुभव किया है ये, कि ज्यादा जल्दी निर्णय लेने से बहुत बड़ी हानि हो जाती है। दोनों पक्षों को सोचना चाहिए,
किसी ने कोई आपके पास आया कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, और जैसे ही वो सामने आया और आपने पूरी अपनी भड़ास निकाल दी, तुमने ऐसा कहा और वैसा कहा, सुन तो लेते तुम्हारे लिए कह रहा था कि किसी के लिए, धीरे से उससे पूछ लेते क्यों भाई यार वो ऐसा कह रहा था, तुम ऐसा कह रहे हो, सच क्या है बता दो। पीछे का भी देखें, जैसे जब DRDO जो संस्था है इंडिया की, वो बम वगैरह के परीक्षण करती है, बम गिराते हैं तो खाली जगह में बम फेंक के देखते हैं, खाली बम, कि उसकी धमक कितनी दूर है, उसकी धमक कितनी दूर है, उसका आफ्टर इफेक्ट है। तो अपन कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी अपन बात को सोच रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा आपको कि उसकी धमक कितनी दूर है, वो बात कितनी दूर तक जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि अपन तुरंत 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 नहीं, हमें तो करना है, जल्दबाजी में कर बैठते, उसके पीछे का नहीं सोचते। तो सफलता बहुत कम समय के लिए मिलती है, असफलता बड़ी मिलती है। बचपन में मेले लगते थे, मेले अपन लोगों के बचपन में, अब तो मेले खत्म हो गए, अब सब फोन पे ही मेले हैं और वो ही झमेले। वो जो मेले लगते थे वहां जाते थे, बच्चा रोता था पापा में गुब्बारा चाहिए, वो हवा में उड़ने वाला गुब्बारा चाहिए, खेलते खेलते हाथ से छूट गया और वो गुब्बारा गया, गुब्बारे की जगह कोई खिलौना ले लेता अगर वो बच्चा, वो बजाने वाली गाती थी पू 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 वाली, अगर वो ले लेते तो कम से कम 2-4, 10 दिन 15 दिन खेलता, तो वो टूट भी जाए तो ही बजती थी, बांसुरी बजती थी। जो बचपन में निर्णय लेते थे अपन गुब्बारा चाहिए, ये तात्कालिक निर्णय रहते थे, और अपन बड़े होते अपन को मालूम चला कि बेटा तात्कालिक नहीं, आगे तक के निर्णय लो, उसका आफ्टर इफेक्ट होना चाहिए, उसका आफ्टर इफेक्ट अच्छा है कि बुरा है इसको जरूर सोचें। आप कोई भी काम करें एक बार जरूर सोचें कि इसका आफ्टर इफेक्ट अच्छा है कि बुरा, अगर बुरा हो कभी ना करें, अल्प हानि बहु लाभ हो जरूर करें, बहु हानि अल्प लाभ हो कभी ना करें। जल्दबाजी में जब भी आप कोई निर्णय लोगे वो आपको अधिकतम नुकसान ही देगा, बिना सोचे विचारे निर्णय लोगे तो नुकसान होगा। देखना, मैं एक बात कह रहा हूँ कि गाय भी जो होती है, गाय हर घास को नहीं खाती, वो पहले सूंघती है फिर वो घास खाने जाती है, हर घास को गाय नहीं खाती, उसको पता ही कौन सी जहरीली है, कौन सी घास मेरा पेट खराब कर देगी। आप सोचो जब घास खाने के लिए गाय निर्णय लेती है, वो तो जानवर है ना, आप इंसान हैं, तो क्यों ना आप भी निर्णय लें अपने जीवन के, सोच के विचार के। जब गाय घास खाती है सोच विचार के, तो आपको भी अपने जीवन के निर्णय लेना चाहिए सोच विचार। अब आज बदल चुका है दिन, शादियां हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, सामने वाले का घर देखा, चमक दमक देखी, लड़का सुंदर है, कर दो शादी, पहले विदा में घर आई वापस ही नहीं गई। पहले के लोग देखते थे उसका स्वभाव क्या, उसका व्यवहार क्या, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, व्यवहार अच्छा है, व्यक्तित्व तो अच्छा है, धर्मात्मा है, पैसा आएगा, क्या बताएं। पहले के लोग देखते थे सीरत और अब के लोग देखते हैं सूरत। सीरत यानी अंदर का मन, पहले के लोग सीरत देखते थे, सीरत देखते थे तो तलाक नहीं होते थे, अब आज के लोग सूरत देखते हैं तलाक हो जाते हैं, 4 महीने में तलाक, 1 साल में तलाक, ये क्या हो रहा है, ये सूरत देखने वाले हैं। जल्दी से निर्णय ले लिया, फेसबुक में उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जीवन एक बार आपको जीने के लिए अच्छे से मिला है, ये जीवन, अगले जीवन का जब देखेंगे, जब मिलेगा तब उसको देखेंगे, क्यों ना इस जीवन को अपन निर्णय के साथ लेके जिए। बहुत सारे निर्णय लेट ले लेने के कारण जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। 1 बजे भूख लग रही है, खाना 4 बजे खाओगे मतलब ही क्या, भूख लगे भोजन करो फ्री हो, ये निर्णय लेने की क्षमता जागृत करें। 6 अपन आगे देखेंगे, भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे भारत अंकिता तेजस्वी उन्नति जैन जबलपुर मध्य प्रदेश।